हेलो दोस्तों, वीडियो के लिए वीडियो मतलब कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। वीडियो में 2018 का जितने बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है, बहुत ही ज्यादा कमेंट है कि सर ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट क्या माना जाएगा, और ट्रिपल सी की वैलिडिटी वाली जो बात है कि सर मेरा रिजल्ट आ गया था लेकिन सर्टिफिकेट बाद में आया। तो बस इसी बात पे ये वीडियो है, बस इतनी सी टॉपिक पर ये वीडियो है। अगर इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो उसका जवाब इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए बच्चों, ट्रिपल सी इक्विवेलेंट, ठीक है ना, समकक्ष में क्या बीटेक अगर कंप्यूटर साइंस से है या आईटी से है, बीसी किया हुआ है या फिर एमटेक है, सीएसआईटी से डिप्लोमा है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब कि कोपा है आपके पास, ठीक है ना, कोपा है या फिर आपके पास एडीसीए है और डीसीए है, ठीक है, मतलब कि कोई भी सर्टिफिकेट है किसके अलावा, ट्रिपल सी के अलावा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत से बच्चों के पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है लेकिन जो लास्ट डेट है आपकी 29/6/2018 उसके बाद की है, लेकिन उन्होंने बीटेक कर रखा है, तो इस तरह के बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। इसका सिंपल जवाब देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जो जूनियर असिस्टेंट 2016 में मेरा जो सिलेक्शन हुआ था उसमें ट्रिपल सी और समकक्ष लिखा हुआ था, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, कुछ बातें ऐसी हैं जो लास्ट तक आपको जाननी जरूरी है, ठीक है ना। ट्रिपल सी और समकक्ष लिखा था, जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो हालांकि मेरे पास ट्रिपल सी था लेकिन जो इसका लास्ट डेट था, लास्ट डेट के बाद का था, ठीक है, लास्ट डेट के बाद का था। बहुत से बच्चों का ये वाला क्वेश्चन होता है कि सर जो नीचे डेट है वो माना जाता है या फिर ये माना जाता है, ठीक है, अभी पूरी बात करेंगे। तो ट्रिपल सी जो मेरा था वो बस लास्ट डेट के बाद का था, लेकिन मेरे पास डिग्री थी बीटेक आईटी का, तो बच्चों यहां पर लिखा हुआ था ट्रिपल सी के समकक्ष लिखा हुआ था जूनियर असिस्टेंट 2016 के आपका नोटिफिकेशन में, तो मेरा बीटेक आईटी को वैलिड किया गया, ठीक है। मैं यहां पे किसी भी तरह का मतलब ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे आपको कोई कंफ्यूजन हो, बिल्कुल क्लियर बात है, ठीक है ना। तो मेरा वैलिड हो गया और ट्रिपल सी मेरा वैलिड नहीं हुआ, ये बात हो गई। अब अगर हम वीडियो की बात करें 2018 की, जो आपका नोटिफिकेशन आया था, तो देखिए यहाँ पे हम ग्राम पंचायत अधिकारी हो या फिर ग्राम पंचायत अधिकारी या समाज कल्याण, ठीक है ना, तो देखिए सबके लिए एक ही बात लिखा हुआ है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 12th के समकक्ष बोल दिया है, इसके समकक्ष बोल दिया है, लेकिन ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है NIELIT जो पहले डोएक था, द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर में ट्रिपल सी प्रमाण पत्र, तो यहां पे देखिए जब 12वीं के समकक्ष मांग रहा है, आपके पास कुछ हो तो फॉर्म भर सकते हैं, जैसे कि डिप्लोमा होता है, ठीक है ना, 10th के बाद बहुत से बच्चे डिप्लोमा कर लेते हैं, ठीक है, तो वो 12वीं के समकक्ष हो जाता है, तो यहां पे तो समकक्ष लिख दिया लेकिन ट्रिपल सी के समकक्ष इसने कुछ भी नहीं लिखा है। तो बच्चों इसलिए ये बात बिल्कुल क्लियर है कि समकक्ष नहीं माना जाएगा, और जो 2018 का नोटिफिकेशन है इसी के अनुसार भर्ती प्रक्रिया होगी, ठीक है, तो ये चीज है। अब देखिए, अब यहां पे ये बात है कि जिनके पास बीटेक है, ठीक है ना, ये मेरा सलाह है, क्या है, ये मेरी सलाह है, ठीक है, वो क्या है कि बच्चों जिनके पास बीटेक बीसी अदर कोई समकक्ष में है, तो देखिए यहां पे आपका तीन ही सब्जेक्ट आना है, आपका एक हो गया जीएस, हो गया हिंदी, हो गया और आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है। तो मैं बस ये सलाह दे रहा हूं आपको, बाकी मानना या ना मानना आपकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गए, आप तैयारी कर ही रहे हैं, पेपर जरूर दीजिएगा, ये मेरी सलाह है, ठीक है, पेपर जरूर दीजिएगा। पेपर देने को क्यों कह रहा हूं, देखिए कई बार बच्चों ऐसा होता है कि आखिरी समय में पासा पलट जाता है, और ये सब कुछ आयोग के ऊपर है, किसके ऊपर है, यूपी ट्रिपल एससी के ऊपर है, जो मूड में आएगा कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप पेपर जरूर दीजिएगा, बाद में पछताना ना पड़े, कोई बात ना रह जाए। अब आगे हम बात करें कि ट्रिपल सी का जो लास्ट डेट, एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट थी 29/6/2018, बहुत से बच्चों का ये सवाल है, सर ये आपका क्या है, ये आपका ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है, बच्चों ये आपका सर्टिफिकेट है, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट, तो आपका लिखा होता है या प्रमाणित किया जाता है कि राजन वर्मा को माह जून 2018 में विद ग्रेड सी या फिर ए या फिर बी, ठीक है ना, इनमें से कोई आपको ग्रेड मिलेगा, डी भी मिल सकता है, ठीक है, तो माह जून 2018 में ग्रेड बी के साथ उत्तीर्ण किया है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ये छठा महीना कौन सा हो गया, जून हो गया, ये भी जून हो गया और ये भी जून ही लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, तो यहां पे माह जून लिखा हुआ है और यहां पे 29 है, और हो सकता है कि माह जून 30 जून भी हो सकता है, कि आप किस डेट को पास हुए हो, 30 जून को पास हुए हो। तो मैं सिंपल सी बात बता दूं, जब मेरा
ये यहाँ पे माह जून नहीं माना जाता है, नीचे देखा जाता है, यहाँ पे एक डेट होती है, ये होता है डिजिटल सिग्नेचर हो गया आपका। यहाँ पे जो डेट होती है 8 अगस्त 2018, जून जुलाई अगस्त, ठीक है ना। तो इन्होंने अगस्त में डाउनलोड किया था, जो आपको मतलब रिजल्ट आ गया वो बात नहीं हो रही है, रिजल्ट कब आया ये उससे मतलब नहीं रखते हैं, आपका सर्टिफिकेट कब जनरेट होता है, सर्टिफिकेट कब जनरेट हुआ तो बस वो देखा जाता है और वही डेट मानी जाती है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा।